अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी शिमला मिर्च बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ये सब सामान लिया है। हमने आधा किलो शिमला मिर्च लिया, ये ऐसे लंबे टुकड़ों में काट लिए हमने, और अरबी है छील के रख लिए। आधा किलो अरबी लिया हमने, और ये एक बड़ा प्याज लिया हमने, और ऐसे मोटे मोटे स्लाइस में ऐसा काट लिए मोटे मोटे। दो टमाटर का पेस्ट लिया, ये हमने पीस लिया मिक्सी में। एक प्याज का पेस्ट लिया, दो चम्मच धनिया पाउडर लिया, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर है, आधा चम्मच जीरा पाउडर है, दो टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच ये धनिया है कुटा हुआ, दो पीस करे हुए ये हम दस्ते में कूट लिए थे हमने, और एक चौथाई चम्मच कलौंजी है, और थोड़ी सी हींग डालेंगे हम। ये दिखाते हैं, दो चम्मच तेल लिया है हमने, ये गरम करने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो गया। हम आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे इसमें, चम्मच हमने जीरा डाल दिया इसमें। हम इसमें अब अरबियां डालेंगे, अरबियां फ्राई करेंगे। हमारी अरबियां फ्राई हो रही हैं तेल में, गोल्डन गोल्डन सी हो गई हैं, थोड़ी सी और करेंगे। देखिए हमारी अरबियां फ्राई हो गई हैं, गोल्डन गोल्डन हो गई हैं। हम ये बाहर निकाल लेंगे। हमने अरबियां सब बाहर निकाल ली, अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हमारा जीरा इसी में ही, खाली अरबियां निकाली हमने। एक चौथाई चम्मच हींग डालेंगे इसमें। प्याज डालेंगे, प्याज का पेस्ट। प्याज हमारी गोल्डन होने लगी, तो थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे। प्याज में गोल्डन ब्राउन होने लगी, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। टमाटर पूरे कटा देंगे। हल्दी पाउडर भी डालेंगे इसमें, टमाटर हमारे भुनने लगे। धनिया पाउडर भी डालेंगे इसमें। इसमें हम कलौंजी भी डालेंगे। ये देखिए हमारे मसाले भुनने लगे हैं। हम इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं। एक गिलास के करीब पानी डाल के हम इसे पकने देंगे। धनिया वगैरह मसाला जो है ये पक जाए। गिलास के करीब पानी डाल दिया हमने, इसे पकने देते हैं मसाले को, फिर दिखाते हैं आपको। ऐसे ढक के पकाना है इसे। देखिए हमारा मसाला भुन गया बिल्कुल, सारा रोगन ऊपर आ गया था, आप देख सकते हैं। हमारा मसाला बिल्कुल भुन गया है, देख सकते हैं आप, दाने दानेदार हो रहा है। इसमें अब हम नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से।
इसी के साथ हम ये अरबियां भी डाल देंगे जो हमने फ्राई करी थी। देखिए हमने अरबियां डाल दी, हम इसमें एक सीटी, एक से दो सीटी लगाएंगे पानी डाल के। तो ये हमने आधा गिलास के करीब पानी डाला है इसमें। हम एक से जब तक अरबियां गलेंगी, दो तीन सीटियां अरबियां गलने तक जब तक सीटी देंगे इसमें, फिर दिखाते हैं आपको। दो तीन सीटियां लगाएंगे, तेज आंच पे ही लगा लिएगा, इससे दो सीटियों में आ जाएगी आराम से। देखिए हमारी अरबियां गल के 5 मिनट के करीब हो गए हैं। ठीक है, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया था, खोल के देखते हैं। देखिए हमारी अरबियां गल गई हैं, देख सकते हैं। ये हमने बीच में कट लगा रखा था इसलिए ये फट गई है बीच में से। हम इसमें और सामान जो है वो डालते हैं, शिमला मिर्च डालेंगे, इसी के साथ साथ हम ये साबुत प्याज भी डालेंगे इसमें। हमने प्याज भी डाल दी, शिमला मिर्च भी डाल दी, जीरा पाउडर भी डालेंगे इसके साथ साथ, गरम मसाला भी डाल देंगे। तो मिक्स करते हैं, इसमें सीटी नहीं देनी है, बस ऐसे ही भूनेंगे, उसी में ये सही हो जाएंगी। शिमला मिर्च भी और प्याज भी थोड़ी खड़ी खड़ी चाहिए हमें। तो सारा जो पानी है थोड़ा सा ये ऐसी खुशक हो जाएगा, उसी में ही हमारी ये दोनों चीज़ें भी खाने की जैसी हो जाएंगी बिल्कुल। और बहुत ही माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है, तो बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं शिमला मिर्च भी हमारी बिल्कुल सही हो गई है, नरम हो गई है, इससे ज़्यादा नरम नहीं करेंगे हमें, ऐसी अच्छी लगती हैं थोड़ी खड़ी खड़ी। अब हम आपको ये डिश में निकाल के दिखाते हैं, इसमें और कुछ नहीं जाएगा। देखिए हमारा अरबी शिमला मिर्च बिल्कुल तैयार हो गया, निकाल के दिखाते हैं डिश में। अगर आप अरबी शिमला मिर्च ना खाएं तो आप ऐसे आलू डाल के पका सकते हैं, आलू में भी अच्छी लगती हैं। हमने आलू की भी डाल रखी है, हमारे चैनल पर डली हुई आलू शिमला मिर्च भी। हमें ये बनानी थी अरबी शिमला मिर्च, भी बहुत ही अच्छी लगती हैं, मेरे बच्चों को भी पसंद है, बच्चे मैं बहुत शौक से खाते हैं सारी चीज़ें बनाती हूँ ऐसे। आप सबको भी पसंद आएगी ज़रूर, आप हमारे तरीके से ज़रूर बना के देखिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए अगर चाहे आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर चाहे आपको ये अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी। और ऐसी हम नई नई डिश ऐसी बना के डालते रहेंगे, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर रेसिपी के साथ।